ओके तो देखिए हम अपने गूगल क्रोम के ऊपर, ये मैंने गूगल क्रोम खोला यहाँ से, देखिए इसके ऊपर हम मल्टीपल अपनी जीमेल की आईडीज कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जीमेल की आईडीज को सेट किया हुआ है। ज़रा मैं साउंड्स की क्वालिटी भी चेक कर लूँ। बिल्कुल ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अपनी आईडी यहाँ सेट की हुई है, दूसरी ये कर रखी है, तीसरी ये, और चौथी यहाँ पे कर रखी है, और पांचवी यहाँ सेट कर रखी है। तो एक नई आईडी हम कैसे इस पर सेट कर सकते हैं, पहले इसको देखें। यहाँ पर जब आप क्रोम खोलेंगे तो लिखा आएगा हुज यूजिंग दिस क्रोम, तो आप यहाँ कहेंगे ऐड, ऐड करके कहेंगे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, कोई कलर पिक कर लें इसके लिए, जो भी आप कलर चाह रहे हैं, और उसके लिए आप इसका नाम रख लें। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया इसका नाम NAH, या यूँ रख लेते हैं NAH अंडरस्कोर मुस्लिम टर्म, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख लिया और उसको डन कर दिया। अब मैं इस नाम से एक आईडी बनाना चाह रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल इसके ऊपर क्रोम पर सेट हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे कैसे ऐड बनाऊंगा, सबसे पहले एक gmail.com खोलूंगा मैं यहाँ से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे gmail.com खोला, अगर हमारा नेट सही काम कर रहा है तो ये खुल जाएगा। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। दोबारा से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ से। ये जीमेल हमारे सामने खुल गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो जीमेल हमारे सामने खुला है तो यहाँ से हमने कहना है क्रिएट एन अकाउंट। तो जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा किस नाम से बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NAH और यहाँ पे लिख रहा हूँ मुस्लिम टाउन, ठीक है, NAH मुस्लिम टाउन, और यहाँ से मैं इसको कह रहा हूँ नेक्स्ट। और फिर ये मुझसे कह रहा है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें, तो मैंने यहाँ पे रख लिया नवंबर 6 2023, और मेल कर दिया इसको यहाँ से, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ मैं थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि ये इतने छोटे वालों की रखेगा नहीं, तो 1992 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मेल करके नेक्स्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ सजेशन दे रहा है कि आप इसके नाम से nhmuslimtown@gmail.com के नाम से बना लें, nhmuslimtown.nh के नाम से बना दें, muslimtownnh के नाम से बना लें, क्रिएट योर ऑन, मुझे ये सही लग रहा है, nhmuslimtown@gmail.com, इस नाम से मैंने एक आईडी बना लिया। पासवर्ड कह रहा है कुछ रख लें, तो मैं इसका एक पासवर्ड कोई भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। तो ये आईडी भी कंफर्म हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि इसके ऊपर आपको किस मोबाइल नंबर पे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। मोबाइल पे मुझे एक वेरिफिकेशन की, एक फोन नंबर कैन नॉट बी यूज फॉर द वेरिफिकेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि ये नंबर यूज नहीं हो सकता। अच्छा, आई थिंक इस पर लिमिट पूरी हो गई, 0309 1349 36, मैंने दूसरा नंबर डाल दिया इसके ऊपर वेरिफिकेशन के लिए। ओके, इस पे एक मेरे पास मोबाइल के ऊपर इस नंबर का एक कोड आएगा, ये कोड आ गया, कोड आया, वो कोड मैं यहाँ लिखूंगा, और ये लिख के मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको। उसके बाद मैंने कह रहा है कि पेरेंट ईमेल एड्रेस बता दें, तो मैंने यहाँ पे अपना एक ईमेल लगा दिया, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इससे ये वेरीफाई हो जाएगा रिकवरी ईमेल के तौर पे, कल को पासवर्ड भूल जाऊँ तो इस ईमेल से मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये उस पर चला गया। इसके बाद हमने यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लिया,
मैक्स कर दिया, ये क्रिएट हो गया। कह रहा है वी सिक्स राशिद पर मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, डू यू वॉन्ट टू अनफ्लिक्स हॉटनेस? यस, हम इसको चला रहे हैं। तो ये मेरे मोबाइल पे इसने एक नंबर भेजा है, ये नंबर मुझे अभी देखने में आ जाएगा मोबाइल के ऊपर। उस पे भेजा होगा ये तो। ओके, यहाँ से बैक करते हैं हम। पेरेंट ईमेल पे मैं अपना दूसरा ईमेल डालता हूँ उसके ऊपर, जो मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। तो ये इस पर कोई वेरिफिकेशन भेजेगा, कह रहा है कि पासवर्ड डाल दें अपना। अच्छा, उसके लिए डालना है ये। कल तो रखा था पासवर्ड इसका। खुल गया, ठीक है। अभी इस पे मेरे पास क्या आ गया, कोड वेरिफिकेशन का। और मैंने कहा यस इट वाज मी, अब वो मुझे नंबर देगा, नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये हमारा जीमेल का आईडी क्रिएट कर रहा है, बन गया। ठीक है, अब ये जो जीमेल का आईडी मिला है हमारे पास, इसी आईडी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो गूगल की सर्विसेज हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे YouTube, जैसे ब्लॉग स्पॉट, ठीक है, जैसे और भी सर्विसेज हैं गूगल की जो हम यूज कर रहे होते हैं। ब्लॉग स्पॉट है, गूगल सर्विसेज हैं, और जेमिनाई है, गूगल डॉक्स हैं। ये सारी सर्विसेज गूगल की हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट जीमेल का आईडी चाहिए। तो जो आपके पास मोबाइल पे जीमेल का आईडी लगा हुआ है उस पे यूज ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डेटा को अपने अंदर बैकअप कर रहा होता है और उसके अंदर सेव कर रहा होता है। आप अलग से एक आईडी बनाइएगा, और अगर कंप्यूटर पे ऐसे एक प्रोफाइल बना लीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो जाए, अब इससे रिलेटेड हम आगे चलते हैं। यहाँ पे खोलते हैं गूगल को, और यहाँ पर एक गूगल की दूसरी सर्विस को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमारे सामने लोड हो जाता है तो। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। दोबारा से कनेक्ट करते हैं जरा इसको। ओके, खुल गया। तो यहाँ पे हमने गूगल खोला था, गूगल भी खुल गया। ठीक है, तो अब हम इसको ये करने लगे हैं कि ये हमारा जीमेल एक्टिवेटेड है, सही। अब यहाँ से हम गए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हमने गूगल की सर्विस जो लेनी है वो यहाँ से ले लेनी है। जैसे हमें एक सर्विस चाहिए गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स गूगल की एक समझ लें इतने जबरदस्त सर्विस है, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो गूगल डॉक्स के जरिए आप इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं, जैसे मैंने किया है वैसे ही अपने ब्राउजर पे। फिर एक सर्विस है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। ये समझें आपकी ऑनलाइन काम करने की गूगल की एक हार्ड डिस्क है, जिसमें जो भी डेटा वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल आ रही है, जा रही है, गूगल डॉक्स पर डॉक्यूमेंट बन रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर सेव हो रही होती है। इसका नाम है गूगल ड्राइव। इसमें आपको 15 GB स्पेस मिलता है।
ठीक है, कितना स्पेस मिलता है? 15 GB। अब लेट्स सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, एक सीवी बनानी है, तो बनी बनाए सीवी के सैंपल्स दिए हुए, लेकिन आप जैसे हम वर्ड में शुरू करते हैं वैसे एक नए तरीके से सीवी बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खोल देगा। बस शर्त है कि आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना हो, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इसका यहाँ पे हमने नाम रखा हसनैन सीवी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हसनैन सीवी के नाम से फाइल बना दी। अब गूगल की एक और सर्विस है, यहाँ पे हम टैब लेंगे नया और गूगल खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है गूगल जेमिनाई। क्या नाम है? गूगल जेमिनाई। जैसे चैट जीपीटी है, एक प्रोडक्ट है, ओपन एआई है, तो ये भी गूगल की एक सर्विस है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कोई भी काम लेने में। ओहो, अब ये कह रहा है कि जिनकी एज कम है वो ये यूज नहीं कर सकते। मैंने इसके प्रोफाइल में एज कम दे दी है। अब प्रोफाइल में जाके एज कैसे सेट करेंगे? अब जो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माउस खोलिए, यहाँ पर हमारे अकाउंट की सेटिंग्स आएंगी, यहाँ क्लिक करेंगे। ये मेरा मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करूंगा मैं। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है मुझे अपनी ना, इसलिए वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डोंट गेट लॉक आउट ऑफ योर गूगल अकाउंट, एड रिकवरी फोन। तो रिकवरी फोन नंबर डाल देते हैं इसके अंदर, कभी अगर भूल जाए तो एक रिकवरी फोन नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर हमें यहाँ जाना है पर्सनल इन्फो पे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था गूगल डॉक्स पे, जब तक वो खुल रहा है। अब इसके ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्यूरी क्यूलम विटाए, तो देखें ये इसके ऊपर लिखा गया और ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो रही है फाइल आपकी। कहाँ सेव हो रही है? गूगल ड्राइव में। देखिए यहाँ आइए, माई ड्राइव पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट हो गया दोबारा से। नेट को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सेव हो गई आपकी फाइल ऑटोमेटिकली। अब इसमें हम जो भी चेंजेस करते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कनेक्ट कर रहा है दोबारा से, उसको भी लोड कर रहा है, खुल गया। कह रहा है अपना पासवर्ड डाल दें, तो मैंने इसका जो पासवर्ड लिखा था वो लिख के मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है। ये मेरी फाइल सेव है, ये कनेक्ट हो गया। तो अब मैं जो भी इस पे लिख रहा हूँ, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे आपने सीखा है, तो अब इसको टाइटल बनाना है। तो यहाँ से हमने इसके लिए एक फॉन्ट ले लिया, सपोज टू बी एरियली, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, इसको यहाँ से जाके सेंटर करना है, ये देखें सेंटर लाइन हो गया। इसका फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट है, टाइटल में कन्वर्ट करना है, टाइटल में कन्वर्ट हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा रिड्यूस करना है, यहाँ से कर लें चेंज। के इसका फीचर भी इसमें मौजूद ही होगा, थोड़ा सा हमारी आंखों के सामने से ओझल हो रहा होगा, लाइन स्पेसिंग अलाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें होगा। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें आई थिंक सो
पैराग्राफ सेट्स हैं, लाइन अलाइनमेंट्स हैं, लाइन स्पेसिंग, कॉलम्स, बुलेट्स हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कैपिटलाइज ईच वर्ड है या अपर केस, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए उसी तरह से जैसे आप वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटर करके नीचे आ गए, फिर यहाँ पे आपने लिखा मिस्टर हसनैन मलिक, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका एड्रेस। अच्छा, ये सारा डेटा आप लिखते जा रहे हैं और ये सारा का सारा क्या होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है, ठीक है। इसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसके बनाया ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी इसकी, और हमें ज़रूरत नहीं है सेव करने की, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होता जा रहा है। अप्लाई कर दें, न्यू डार्क मोड कह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं इसका, नहीं अभी लाइट मोड ही ठीक है। तो अभी ईमेल भी हमारे पास एक आया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ रिकवरी में आ गए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा मोबाइल नंबर बता दें कोई डाल दें रिकवरी के अंदर, तो मैंने अपना वही वाला नंबर डाला इसके अंदर 03448343930, और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये रिकवरी नंबर का इसके अंदर सेव हो गया रिकवरी का। इससे ये होगा कल को मेरा अगर आगे पीछे हो जाता है ईमेल तो मैं यहाँ से रिकवर कर लूँगा, रिकवर ईमेल भी आ रहा है इसके अंदर, बैक कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं आपको इसमें बताया था डेट ऑफ बर्थ कैसे अपडेट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद देखें इसकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ रही है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक विद योर पेरेंट चेंज, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि चेक विद योर पेरेंट्स टू चेंज दिस, ये खुद चेंज नहीं कर सकता, इसका पेरेंट क्या चेंज करेगा इसकी डेट ऑफ बर्थ, तो कैसे करेंगे। योर बर्थडे मे बी यूज फॉर अकाउंट सिक्योरिटी एंड पर्सनल एक्सेस, गूगल सर्विस, गूगल इज नॉट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूज बर्थडे फॉर पर्सनल हु मैनेज दिस अकाउंट, ठीक है। लर्न मोड कैसे करेगा, ये कह रहा है कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने कम लिख दी ना, वो इस तरह से नहीं कर पाएगा। कह रहा है वर्ड फ्लो पर्सनल फॉर गो टू अबाउट मी, टेक द प्राइवेट, क्लिक ओनली टू मेक इट विजिबल एवरीवन, एडिट प्रोफाइल इन्फो, परमिशन कैसे देगा ये इसको, ठीक है। चलो यहाँ तक का प्रोसेस तो समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है काम। मैं अब इस अकाउंट को बंद कर रहा हूँ, मैंने इस अकाउंट को साइन आउट नहीं किया, इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं यही ऑपरेशन आपको अपने एक दूसरे अकाउंट पे करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से जीमेल खोला, अब देखिए ये भी मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया है, ये नीचे करेंगे ना, इसको जूम आउट करते हैं, ये आ गया यहाँ पे एक अकाउंट, यहाँ पे ऐड हो गया NH मुस्लिम टाउन ऐड हो गया। तो मैंने एक सुबह अकाउंट बनाया था अपनी अली राशिद के नाम से, यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इसको खोल लेते हैं यहाँ पे, ये अलग से प्रोफाइल है। यहाँ से मैंने इसका जीमेल खोला, ये जीमेल खुल गया, यहाँ से मैंने गूगल डॉक्स खोलना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये गूगल डॉक्स खुल गया, और गूगल ड्राइव खोलना है तो यहाँ से क्लिक किया और मैंने यहाँ से ड्राइव खोल दिया, ठीक है, तीनों खोल दिया। इसमें मेरी जो फाइल ड्राइव पे सेव है वो माई ड्राइव पे जाऊँगा, उसमें मैंने एक सीवी बनाई थी हसनैन मलिक के नाम से, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब इसको खोल के देखना है मुझे, तो कैसे खोल के देखूंगा, यहाँ पर भी वो नज़र आएगी क्योंकि डॉक्स पे बनाई थी, क्लिक किया यहाँ पे, ये देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे बना। अब वो जो मैं जेमिनी बता रहा था आपको, यहाँ पे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अंडर 18 पे बना हुआ नहीं है अकाउंट, तो गूगल जेमिनी जैसे यहाँ सर्विस लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, AI पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा ये आपसे पूछेगा आप क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको जो भी बात कहेंगे ये आपको बता रहा है कि ये आपके लिए क्या क्या करेगा। ये आपके लिए फाइंड यूट्यूब वीडियोस विद इंस्पायरिंग बेस्ट मैन स्पीचेस, एक्सप्लेन द की रूल्स ऑफ रबी स्ट्रेट स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, क्रिएट अ ट्रेवल इटिनररी फॉर अ सिटी, हेल्प मी फाइंड लेटेस्ट ट्रेंड्स, इस तरह से कुछ भी मतलब 5 मिनट, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो इसको प्रॉम्प्ट देंगे ये आपके लिए सर्च करके लेकर आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ क्रिएट ए प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर मिस्टर हसनैन मलिक हु इज, यहाँ लिख रहा हूँ मलिक, इंटरमीडिएट पास्ट DIT पास्ट अप्लाइंग फॉर फ्रेश कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स एंड अदर्स विद कंप्लीट reference and word English and use English words human readable,
इंटर कर दिया, ये आपके लिए काम करना शुरू हो गया। कह रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल लिख दिया हमने, थोड़ा आसान कर देते हैं। ओके okay. इसके बारे में भी सीख रहा है, और थोड़ा आसान कर देते हैं। इसके बारे में भी सीख रहा है भाई, कहाँ तक सीख रहा है ये? इतना ही दे देते हैं इसको। इससे पता चलता है ये इतना मेच्योर नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते, जो हमारा गूगल का एक और सर्च इंजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी, यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। चूंकि हमने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है ना, तो ये हम उसी आईडी से लॉगिन कर लेंगे जिस आईडी से अभी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, खुल जाइए। मेरा ख्याल है सर्विस अभी काम नहीं कर रही है, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा। लॉगिन कराएंगे इसको। अब लॉगिन कराना हमारे लिए आसान होगा, पूछेगा किससे लॉगिन करना, मैंने कहा जीमेल के अकाउंट से, तो ये मेरे इसी जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। पूछ रहा है इससे, मैंने कहा कंटिन्यू कर दे, मैंने कहा कंटिन्यू कर दे। बर्थडे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 3 88। वही प्रॉम्प्ट मैंने इसको लिखा है। ओके लेट्स गो। चैट जीपीटी जरा होशियार आती है, थोड़ा उससे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का ओपन एआई भी है, ये बना दी इसने पूरी सीवी इसकी। ये हमने यहाँ से इसका लिया पूरा फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने जाके ये, अब हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फाइल में गए, न्यू किया, बिल्कुल देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका बना बनाया, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, ये ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट किया, रेडी हो गया। देख रहे हैं सेव हो गया, और सेव होके कहाँ गया, यहाँ पे रख दिया हमने हसनैन सीवी। ये सेव हुआ, और ये आपकी ड्राइव पे सारा डाटा सेव होता जा रहा है। अच्छा, अब ये मुझे शेयर करना है आपसे, जो अभी बना है ये, रीलोड कर लेता हूँ उसको मैं। शेयर कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, यहाँ क्लिक करेंगे, और ये क्लिक किया मैंने, ऑप्शन आया शेयर का, शेयर में गए, शेयर पे क्लिक किया। अब पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से शेयर करना चाहते हैं। ठीक है ना, लोड हो जाए। तो कह रहा है कि भाई जिस जिससे शेयर करना है, अगर आपके पास उनके ईमेल है तो यहाँ लिख दो। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्टेड एनी वेद विद दिस लिंक, और यहाँ से लेंगे हम ऑप्शन। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड लिखेंगे तो अगर किसी को लिंक भी भेजेंगे कॉपी करके, तो वो नहीं खोल सकेगा आपके अलावा। और अगर आप एनी वेद विद लिंक लिखेंगे तो कोई भी खोल लेगा लिंक भेजेंगे, लेकिन उसके तीन टाइप है। व्यूअर, सिर्फ वो रीड कर सकेगा। दूसरा है कमेंटर, उसके कमेंट दे सकेगा, डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकेगा। और एडिटर, वो डॉक्यूमेंट खोल के अपने पास उसको अंदर चेंज कर सकेगा। तो इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट शेयर करना भी आसान हो जाता है। व्यूअर पे रखा मैंने, कॉपी लिंक कर दिया और इसको डन कर दिया। ठीक है, अब लिंक मेरे पास आ गया, अब मैं इसको शेयर करता हूँ। अब शेयर करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, व्हाट्सअप वगैरह होना चाहिए। अच्छा, यही सर्विस मैं अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा व्हाट्सअप इस पर चल रहा है, इसको खोल दिया, तो देखेंगे एक अलग प्रोफाइल मेरा खुल गया। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, इन द मील वाइल ये खुल रहा है। अब अगर हमें यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट कनेक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे blogspot.com। जैसे ही blogspot.com लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में वो हमारे सामने खुल जाएगी, जबकि ये अभी यहाँ पे लोड हो रहा है।
वो जो लिंक वहां से जनरेट हुआ है वो मैं यहाँ नोटपैड पे आपको दिखा देता हूँ कैसा लिंक है वो। ये लिंक है, ये लिंक जिसको भी भेजूंगा वो इस सीवी को खोल के देख सकेगा, कितना आसान है। और सीवी आपके पास सेव है, ना व्हाट्सएप की झंझट ना किसी, उसको सेंड भी नहीं करनी पड़ेगी, जब क्लिक करेगा जब देख लेगा। ठीक है, ओके, ये आ गए हमारा, देखें ब्लॉग स्पॉट पर। अब ब्लॉग स्पॉट पर हम साइन इन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोफाइल बना हुआ है ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हम ब्लॉगर पर चले गए और फिर यहाँ पर अपने अकाउंट से लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो जाता है, लेकिन अगर चले नहीं लोड हुआ, लोड हो जाए तो फिर यहाँ से जाके हम इसको सेंड करेंगे तो वो खुल जाएगा उसके पास।